नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो यहां पर बाइक राइडिंग से रिलेटिव एक डाउट सबके मन में रहता है कि यहां पर हमें ब्रेकिंग के टाइम पर पहले क्लच प्रेस करना चाहिए या फिर पहले ब्रेक प्रेस करना चाहिए। तो ये चीज़ यहां पर डिपेंड करती है राइडिंग सिचुएशन के ऊपर कि बाइक की स्पीड कितनी है, गियर कौन सा है और ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि पहले हमें यहाँ पर क्लच प्रेस करना है या फिर ब्रेक प्रेस करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं पहली सिचुएशन के बारे में। तो मान लीजिए यहाँ पर आप सिटी में राइड कर रहे हैं और आपकी बाइक की स्पीड 30, 40 या फिर 50 है और अचानक आपके सामने वाले व्हीकल ने यहाँ पर ब्रेक अप्लाई कर दिए। तो ऐसे समय पर यहाँ पर आपको क्लच और ब्रेक दोनों एक साथ प्रेस करने हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में यहाँ पर आपकी बाइक की स्पीड भी कुछ खास नहीं है और ऐसे समय पर बाइक का स्टार्ट रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको 40 या फिर 50 की स्पीड पर ब्रेकिंग करने की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर आपको क्लच और ब्रेक दोनों एक साथ प्रेस करने हैं। बात कर लेते हैं सिचुएशन नंबर 2 के बारे में। तो मान लीजिए यहाँ पर आप रास्ते पर कहीं भी जा रहे हैं और आपको अचानक से कोई गड्ढा या फिर स्पीड ब्रेकर दिखाई देता है और आपको बाइक की स्पीड 10 या फिर 15 की एमपीएल कम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे समय पर यहाँ पर आपको केवल ब्रेक प्रेस करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बाइक को प्रॉपरली स्टॉप नहीं करना है। तो ऐसे समय पर यहाँ पर आपको क्लच प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल ब्रेक भी प्रेस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं तीसरी सिचुएशन के बारे में। तो मान लीजिए यहाँ पर आप अपनी बाइक को हाई स्पीड पर राइड कर रहे हैं और आपके सामने कोई कुत्ता या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आती है जिसके कारण यहाँ पर आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे समय पर सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्रेक अप्लाई करना है और धीरे धीरे ब्रेक पर प्रेशर बढ़ाते जाना है। वहीं दूसरी ओर आपको क्लच प्रेस करके डाउनशिफ्ट भी करना है। अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में इस तरीके से ब्रेकिंग करते हैं तो आपकी बाइक यहाँ पर काफ़ी जल्द प्रॉपरली स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें पहले क्लच प्रेस करना है या फिर पहले ब्रेक प्रेस करना है, ये यहाँ पर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से बता दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइड सेफ, जय हिंद।